ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा जोड़ के रखें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है कुछ बच्चों के लिए, या कहें कि उनके लिए शायद ये लास्ट ऑप्शन होगी। सो आज इस चीज पे, टॉपिक पे बात रहेगी, ट्रेवलिंग को लेके ऑस्ट्रेलिया के क्या सिनारियो रहेगा, इस टॉपिक पे भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सो जो बच्चे 2019 और 2020 पास आउट है, खास करके वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी सिर्फ 10 प्लस टू की है और वो 19 और 20 पास आउट है, तो उनके पास तो अभी टाइम है कि वो जुलाई इनटेक, आगे वाले अगस्त इनटेक, सितंबर इनटेक 2021 वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको किसी तरह की शायद कोई प्रॉब्लम ना आए इफ दे हैविंग अ वेरी गुड प्रोफाइल। बट दोज स्टूडेंट्स हु आर पास आउट ऑफ 2018, जिन्होंने 2018 में प्लस टू की है, उनके लिए फरवरी मार्च इज द लास्ट ऑप्शन। अगर आपने 2018 में प्लस टू की है और उसके बाद आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद शायद आप आने वाले इंडेक्स जून जुलाई या अगस्त सितंबर के लिए ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल ना रहें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्लस टू के बाद सिर्फ 2 साल का ही गैप एक्सेप्ट करता है। इससे ज्यादा गैप एक्सेप्टेंस करवा पाना इट्स लाइक अ इम्पॉसिबल सिनेरियो। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली वैल्यू योर टाइम और टाइम से जाके अपने प्रोसेस को स्टार्ट करें। मार्च इनटेक की ऑप्शंस अभी भी आपको मिल सकती हैं, आप विद इन टाइम फ्रेम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। ट्रैवलिंग को लेके जो सिनारियो है ऑस्ट्रेलिया में उसकी कंफर्मेशन समवेयर इन जनवरी आएगी, बिकॉज ऑलरेडी अराउंड 30,000 प्लस जो ट्रैवलर है वो रजिस्टर्ड हो चुका है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ, एंड मोर देन दैट दे आर एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा। और वो ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने पहले कहा है कि जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं, जो स्टडी वीज़ा होल्डर्स हैं, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास स्टडी वीज़ा होना चाहिए। आप अप्लाई करना चाहते हैं वो खुलने के बाद का सिनारियो है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कैनेडा में भी लिमिटेड जो कैटेगरीज हैं उनके लिए वीज़ा खुला। सो इसी तरह से हर कंट्री कहीं ना कहीं एक लिमिट लगा के चल रही है। सो ऑस्ट्रेलिया भी अगर ट्रैवलिंग खोलेगा तो डेफिनेटली उस प्रायोरिटी में वर्क परमिट वाले, उनके लोकल सिटीजंस एंड प्लस स्टूडेंट होंगे। सो अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं नॉर्मल लॉकडाउन खुलने के बाद या सारा कुछ नॉर्मल होने के बाद, तो उसके लिए शायद आपको बहुत लंबा समय भी इंतजार करना पड़ सकता है। बट स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि अब जो नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है और बच्चे फ्लाई कर सकेंगे। सेकेंडली, अगर अभी आप अप्लाई करेंगे और मार्च और फरवरी इनटेक का वीजा लेंगे तो यू हैव अ ऑप्शन कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी लगाना चाहते तो आप उसे डेफर कर सकते हैं अप टू जून जुलाई या अगस्त नेक्स्ट इनटेक तक। सो आपको फिर भी सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है, उसके बीच में ट्रेवलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी एंड प्लस आपको ऑनलाइन क्लासेस भी इनिशियली नहीं लगानी पड़ेंगी। सो दिस इज अ राइट टाइम एंड हाई टाइम टू सिक्योर योर प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि लेवल 3 में है इस टाइम इंडिया, लेकिन फिर भी जो वीजा का सक्सेस रेट देखा जा रहा है दैट इज अनबिलीवेबल। आई वुड से 95%
एप्लीकेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल हो रही हैं। अगर आप किसी को भी जानते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन लगाई है तो यू कैन हैव अ बेटर फीडबैक फ्रॉम देम। बहुत सारा स्टूडेंट है जो वीजाज लेके डेफर करके एंड दे आर इजिली वेटिंग, नो परेशानी, कोई बायोमेट्रिक की लाइन में नहीं लगना, किसी चीज में नहीं लगना है और आपको आप जो प्रोसेस है वो स्मूदन चल रहा है। और इस टाइम सबसे ज्यादा वीजा सक्सेस रेट हमें यहाँ को इस समय सबसे ज्यादा जो वीजा सक्सेस रेट है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है। सो आई डोंट थिंक कि अगर आपका प्रोफाइल एलिजिबल है एंड यू कैन मूव टू लेवल वन और लेवल टू इंस्टीट्यूट्स और आपको अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं, यू शुड नॉट स्टे बैक, यू शुड नॉट होल्ड योरसेल्फ। आज के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।